सो हाय गाइस, वेलकम टू मेरे लोग। कैसे आप सब? तो भाई आज शुरुआत होने वाली मेले से, तो वही मेले में मेरी दुकान लोग हुई थी ये वाली। और भाई तुम्हारे भाई आज जाने वाला है खंडवा, अपनी साइकिल वगैरह भी लेना है और थोड़ा बहुत माल वगैरह भी आ हुआ है मेरा फिरोजाबाद से, कांच का गिलास वगैरह वो भी लेकर आना है गाड़ी के अंदर। तो ये टन टन गाड़ी हो रखी है, उसमें भी जाना है भाई। कम से कम मेरी 4 घंटे की रास्ता है और अभी 8-1 बज गए हम लोग, 12-1 बजे तक पहुँचेंगे हम लोग। तो भाई आज बहुत मज़ा आने वाला है, आपको दिखाऊंगा लगे इतनी लॉन्ग ट्रिप होगी गाड़ी से। और भाई तुम घने जंगल वगैरह हैं तो भाई आपको दिखाऊंगा भी रास्ता वगैरह। और गाइज आप ये दुकान चेक कर सकते हो, ये वाली भाई मेरी दुकान सबसे बड़ी, उसके बगल में भैया की, उसके बगल में भैया की, और सबसे आखिर वाली जो दुकान है वही वो चालू अभी हुई नहीं है, वो भी है ना 5 दिन बाद दुकान चालू होगी। और भाई सर्कस लगा हुआ है, वो भाई नाव लगी है, उसके अलावा जॉइंट भी लगेगा अभी, उसका मैंने कम्प्लीट हो चुका है, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1 दिन लग जाएगा उसको तैयार होने में। और गाइज ये वाली भाई मेरी पट्टी है ना, ये पूरी मतलब मेरी पट्टी है भाई लाइन में। और भाई एक ये पट्टी आपको दिख रही होगी ना, इधर साइड जो है ना पूरी पट्टी लगेगी भाई दुकान होगी। और भाई वो आपको दिख रही है ना बल्ली टाइप की लकड़ी की, उसके भाई वहाँ पे भी पट्टी लगेगी। और भी देखो भाई वहाँ पे दुकानें वगैरह भी उतर रही है, वहाँ पर एक दुकान उतर चुकी है, और भाई ना पूरी पट्टी लगेगी भाई अभी भी। गाइस जो है ना यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा, लेकिन हम लोग क्या थोड़ा जल्दी आ गए थे, क्योंकि हमारा जो मेला था ना पुराना वाला, तो ना थोड़ा जल्दी मतलब जल्दी जो है ना खत्म हो चुका था, क्योंकि हम लोग ना पर जल्दी आ गए, क्योंकि वहाँ पर बैठने में लग क्या पड़ता है यार, क्योंकि भाई लाइट वेट भी यार मिलती नहीं है। और वहाँ पे भाई लाल कला हम लोग, लाल कला लाइट मिल गई, वो बढ़िया काट रहे हैं इसकी भैंस की टांग। और भाई वहाँ पे जाएंगे अभी, खंडवा जाऊँगा मैं, वहाँ पर चप्पल वगैरह भी मेरी रह गई थी वो भी वगैरह लेकर आना, अभी सैंडल से काम दिखा रहा हूँ यार, इतने दिन हो गए यार। तो भाई इसमें थोड़ा बहुत आपको सामान दिख रहा होगा भाई, इसको सबसे पहले सेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरे को बैठने की जगह इधर पीछे साइड बनानी है, क्योंकि आगे जो है ना मेरे भैया बैठेंगे और पप्पा बैठ के जाएंगे, तो भाई मेरे को पीछे जगह ढूंढना पड़ेगी, तो भाई जगह बनाना पड़ेगी अभी। तो बस ये सफाई सुथराई चालू हो गई है गाड़ी की, हम नारी जाने तय चालू हो चुकी है, बस फाइनल निकल चुके हैं नसरुल्लागंज से, बंद आ चुकी है गाड़ी फ्यूल अप कराने पेट्रोल पर। गाइस अभी आ चुके हैं हम लोग पुनासा डैम पे, भाई देख सकते हो भाई कितना बड़ा पुनासा डैम है। ओ भाई ये देखिए भाई ब्लू कलर का पूरा वाटर, वाटर देखो भाई वही पुराना पूरा डैम है भाई, बहुत बड़ा सारा है भाई। यहाँ पे जो है ना गहराई भी बहुत ज़्यादा है नीचे साइड, और उधर आगे भी बना हुआ है पुराना जंगल जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक ना, पैंथर वगैरह आते रहते हैं। सो गाइस फाइनली मैंने नई वाली दुकान में पहुंच चुका हूँ भाई जी, देखो गाड़ी में से माल वगैरह खाली हो रहा है, और भाई ये दुकान बन चुकी है मेरी, आप देख सकते हो। ये नई वाली की दुकान में जो है ना, ये नई वाली दुकान में ये काम चल रहा था, हमने 1.5 महीने हो चुका है ये काम चल रहा था इस दुकान में, फाइनली कम्प्लीट हो चुकी है, इसमें माल वगैरह डालना है। अब आप देख सकते हो पूरा भाई, फिर मतलब कि अभी माल जो है ना माल स्टॉक वगैरह हो रहा है, मतलब कि मेरे पास जाएगा ये पूरा माल मेले में, बाटले वगैरह हैं और भी बहुत सारा सामान है, अभी आएगा अभी आ रहा है अभी थोड़ी देर धीमे धीमे करके। अरे भाई काम नहीं कर रहा है यार मिस्त्री ने, क्या है पुट्टी वगैरह करवाई थी ऐसी कर दी यार, जबकि मशीन से घिसाई हुई है गाइस, फिर भी उन्होंने ऐसी करा। ये देखो गाइस ये बढ़िया, ये खड़ा भी नहीं साइकिल गाइस, भाई ये सेकंड फ्लोर है जो कि भाई इस टाइप से कुछ बना हुआ है, आप देख सकते हो भाई। ये बनवाया है ये छोटा सा जो है टॉयलेट बाथरूम वगैरह बनवाया है, इसको अंदर देख लेते हैं भाई साहब, ये बनवाया है टॉयलेट बाथरूम है यार, झकास है यार बढ़िया ये तो। और गाइस कैसे ये यार दुकान बन गई यार, कभी सोचा भी नहीं था ऐसी दुकान भी बन पाएगी, दुकान बन गई फाइनली, ऊपर से लड़ देख के छोटा सा रूम बना है ऊपर नहीं रहने के हिसाब से घर जाते हैं, फिर भी बनवा कर करके कभी जब पड़ जाए देखते हैं। ये धोखा हो गया यार, यहाँ पर तो रूम ही नहीं ना यार, कैंसिल हो गया होगा कि भाई जो टूटा फूटा माल पड़ा हुआ, मतलब कि रिप्लेसमेंट रहती है ना जो टूटा हुआ माल मिलेगा वो पड़ा हुआ, कुर्सी वगैरह टूटो भी है भाई। ये थर्ड फ्लोर है, मैंने बनाया बहुत मजबूती से भाई साहब, चीज़ है ये तो, पेंट वगैरह कर दिया एकदम धासु।
ये क्या ना गाइस, एक दिन गोडाउन बनेगा मतलब इसमें मतलब माल स्टॉक हो गया, बस फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे जो है ना माल जमा करेगा। तो गाइस मेरी दुकान कैसे लगी कमेंट करके बताना।